यूपी के जौनपुर में पुलिस वालों ने दलित परिवार की महिलाओं और लड़कियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। किसी का सिर फूटा तो किसी की हड्डी में चोट आई। लड़कियों का आरोप है कि अवैध वसूली का विरोध करने पर उन्हें लाठियों से पीटा गया। उधर दूसरी ओर पुलिस का दावा है कि बंदी के दिन मांस बेचने से मना करने की टीम पर हमला हुआ, जिसमें 4 पुलिस वाले घायल हो गए। पुलिसिया पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जौनपुर के नेहवरिया थाना अंतर्गत सीताम सराय गांव में एक परिवार सुअर का मांस बेचने का काम करता है। परिवार का आरोप है कि रविवार को पुलिस टीम उसके घर आई और पैसे की मांग करने लगी। मना करने पर उनको लाठी से पीटा गया। इसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आईं। मारपीट का ये वीडियो परिवार वालों ने ही सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद घायलों के साथ जिला मुख्यालय DM और SP से शिकायत करने पहुंच गए। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले में पुलिस की अपनी अलग कहानी है। ASP ग्रामीण त्रिभुवन सिंह ने बताया कि मुहर्रम के दिन लॉकडाउन को देखते हुए मांस की बिक्री से मना किया गया था। इसके बाद भी खुलेआम सुअर का मांस बेचा जा रहा था। सीतम सराय चौकी की टीम मना करने पहुंची थी तो परिवार के लोग हमलावर हो गए। उनकी तरफ से हुए हमले में चौकी इंचार्ज समेत 4 लोग घायल हुए हैं। सीतम सराय बाजार गुत्तवन मार्ग पर थाना नेवरिया में पड़ेगा। तो यहाँ पर सोनकर लोग सोर की मांस की अवैध बिक्री करते हैं। आज 30/8/20 को लॉकडाउन की बंदी थी, साथ में मुहर्रम भी था और इनके द्वारा सोर के मांस की बिक्री की जा रही थी। स्थानीय पुलिस को सूचना मिलने पर जब उनको रोकने का प्रयास किया गया तो बाकी लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर लिया, लेकिन गुट्टू सोनकर, सनाब राजा सोनकर, इनके परिवार की महिलाओं और बच्चों के द्वारा पुलिस पर हमलावर होते हुए लाठी डंडे कील और चाकू तथा ईंट पत्थर से प्रहार किया गया, जिसमें कि चौकी प्रभारी उप निरीक्षक लाल बहादुर यादव, कांस्टेबल उमेश यादव, होमगार्ड राम शंकर और दयाराम, इनके चोटें आई हैं। पुलिस के द्वारा अपने बचाव में हल्का बल प्रयोग करते हुए इनको वहां से हटाया गया है। इसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अधिकतम तलाश की जा रही है। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।